बहुत समय पहले एसोप नाम का एक आदमी था। एसोप एक साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वह एक महान कहानीकार था। एसोप को कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह अपने गांव के बच्चों और बड़ों को कहानियाँ सुनाकर खुश होता था। लेकिन एसोप की कहानियाँ कोई साधारण कहानियाँ नहीं थीं। वो कहानियाँ फेबल्स थीं। ये फेबल्स विशेष रूप से नैतिक शिक्षा देने के लिए बनाई गई थीं। फेबल्स खास कहानियाँ होती हैं, जिनमें जरूरी सीख मिलती है। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। एसोप अपनी कहानियों में जानवरों का इस्तेमाल करके लोगों को जिंदगी के बारे में सिखाते थे। जानवरों के माध्यम से वह जटिल जीवन के मुद्दों को सरलता से समझाते थे। जानवर इंसानों की तरह काम करते थे। वे बोलते थे, सोचते थे और इंसानों की तरह व्यवहार करते थे। उनमें भावनाएं होती थी और वो जरूरी सीख भी सीखते थे। ये जानवर हमें सिखाते थे कि कैसे सही और गलत के बीच अंतर किया जाए। लोगों को एसोप की फेबल्स सुनना बहुत पसंद था। वे उसकी कहानियों से प्रेरित होते थे और उन्हें अपने जीवन में लागू करते थे। एसोप की कहानियां आज भी मशहूर हैं। वे सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वो हमें ईमानदारी, दयालुता और मेहनत के बारे में सिखाती हैं। ये मूल्य हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण हैं। उनकी सबसे मशहूर फेबल्स में से एक है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और तैयारी का महत्व क्या है। चलो इस फेबल को पढ़ाते हैं और एक जरूरी सीख सीखते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे मेहनत और धैर्य हमें जीवन में सफल बना सकते हैं। एक समय की बात है, घास और फूलों से भरे मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। चींटी हमेशा व्यस्त रहती थी। चींटी जानती थी कि सर्दी आने वाली है। टिड्डे को गाना और नाचना बहुत पसंद था। टिड्डा सर्दी की चिंता नहीं करता था, वह सिर्फ आज के बारे में सोचता था। चींटी और टिड्डा बहुत अलग थे। एक कड़ी मेहनत करता था, दूसरा खूब खेलता था। क्या होगा जब सर्दी आएगी? सूरज तेज चमक रहा था, गर्मी का समय था। चींटी इधर उधर भाग रही थी, खाना इकट्ठा कर रही थी। वह गेहूं के भारी दाने ढो रही थी। वह सुबह से रात तक काम करती थी। मुझे सर्दी की तैयारी करनी चाहिए, चींटी ने सोचा। वह कड़ी मेहनत की अहमियत जानती थी। चींटी ठंडी हवा चलने पर तैयार रहना चाहती थी। चींटी ने अपने बिल में खाना इकट्ठा कर लिया। उसने बिना किसी शिकायत के अथक परिश्रम किया। चींटी कड़ी मेहनत और तैयारी की एक मिसाल थी। दूसरी तरफ टिड्डा उछलता कूदता रहता था। वह दिन भर अपना वायलिन बजाता रहता था। गर्मी मजे करने के लिए होती है, वह गाता था। टिड्डा भविष्य के बारे में नहीं सोचता था। वह चींटी पर हंसा। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, उसने पूछा। आओ मेरे साथ गांव और नाचो, टिड्डा चींटी के तरीके नहीं समझता था। चींटी ने अपना सिर हिलाया। मुझे सर्दी की तैयारी करनी है, उसने जवाब दिया। टिड्डा बस हंसा और अपने संगीत में वापस चला गया। भाग 5। सर्दी का अचानक आगमन। जल्द ही गर्मी खत्म हो गई। पत्तों का रंग बदल गया और वे पेड़ों से गिरने लगे। हवा ठंडी होने लगी। सर्दी आ गई, जैसा कि चींटी को पता था कि आएगी। हवा तेजी से चलने लगी। आसमान से बर्फ गिरने लगी। कभी हरा भरा मैदान अब सफेद चादर से ढका हुआ था। टिड्डा ठंड में कांप रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही उसे बचाने के लिए कोई आश्रय था। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारी गर्मी खेलने में बिता दी थी और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। भाग 6। भाग्य में बदलाव। इस बीच चींटी अपने बिल में गर्म और आरामदायक थी। उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। उसने सारी गर्मी कड़ी मेहनत की थी और अब उसे उसका फल मिल रहा था। टिड्डा भूखा और ठंडा चींटी के घर गया। उसने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। कृपया, उसने विनती की, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं, मैं भूख से मर रहा हूँ। चींटी ने दरवाजा खोला और दयनीय टिड्डे को देखा। उसे याद आया कि कैसे टिड्डे ने गर्मियों में उस पर हंसा था। उसने सोचा कि क्या उसे मदद करनी चाहिए। भाग 7। कड़ी मेहनत का महत्व। चींटी ने टिड्डे की मदद करने का फैसला किया, लेकिन वह उसे सबक भी सिखाना चाहती थी। तुम सारी गर्मी क्या कर रहे थे, चींटी ने पूछा। तुमने मेरे जैसे खाना इकट्ठा क्यों नहीं किया? टिड्डे ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैं गा रहा था और नाच रहा था, उसने बुदबुदाया। मैंने सर्दी के बारे में नहीं सोचा।
टिड्डे ने अपना सबक सीख लिया था। तो तुम्हें गर्म रहने के लिए नाचना चाहिए था, चींटी ने कहा। कड़ी मेहनत करना और भविष्य के लिए तैयारी करना जरूरी है। चींटी ने अपना कुछ खाना टिड्डे के साथ बांट लिया। भाग 8, भविष्य के लिए योजना। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सही योजना और कड़ी मेहनत से हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। टिड्डा चींटी की दया के लिए आभारी था। उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। उसने अपने तरीके बदलने का वादा किया। अब वह समझ गया था कि समय रहते तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है। अब से मैं कड़ी मेहनत करूंगा और भविष्य के लिए बचत करूंगा, उसने कहा। उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। चींटी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने टिड्डे को प्रोत्साहित किया और उसे सही मार्ग दिखाया। चींटी की कड़ी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन और आश्रय जुटा लिया था। उसके पास सर्दी के लिए खाना और आश्रय था। उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया था। टिड्डे के आलस्य ने उसे भूखा और ठंडा छोड़ दिया था। उसने अपनी गलती से सीखा कि बिना योजना के जीवन कठिन हो सकता है। यह कहानी हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। हमें अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। कड़ी मेहनत करना और भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है। यह हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। हमें उन चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती हैं। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें मुश्किल समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। भाग 9, एसॉप के कालातीत सबक। एसॉप की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे हमें जिंदगी के जरूरी सबक सिखाती हैं। The Ant and the Grasshopper हमें कड़ी मेहनत की कीमत की याद दिलाती है। ये हमें भविष्य के लिए योजना बनाने के महत्व को दर्शाती है। ये कहानी एक याद दिलाती है कि हमें चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें करना चाहिए। एसॉप की कहानियां आज भी लोकप्रिय हैं क्योंकि वे हमें जिंदगी के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। वे हमें दयालु बनना, ईमानदार बनना और कड़ी मेहनत करना सिखाती हैं। भाग 10, आज के समय में चींटी और टिड्डा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम सब चींटी और टिड्डे से सीख सकते हैं। चींटी की मेहनत और टिड्डे की आलस्य हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हम चींटी की तरह बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। चींटी हमेशा अपने भविष्य के लिए काम करती है, वह कभी भी समय बर्बाद नहीं करती। हम भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं और चुनौतियों के लिए तैयार रह सकते हैं। चींटी हमें सिखाती है कि मेहनत और योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है। या हम टिड्डे की तरह बन सकते हैं और अपना समय उन चीजों पर बर्बाद कर सकते हैं जो मायने नहीं रखती हैं। टिड्डा हमें दिखाता है कि आलस्य और समय की बर्बादी का परिणाम क्या हो सकता है। चुनाव हमारा है। चलो चींटी की तरह बनने का चुनाव करते हैं। चींटी की तरह मेहनत और समर्पण से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगली बार जब आप किसी चींटी को कड़ी मेहनत करते हुए देखें तो एसॉप की कहानी याद रखें। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और योजना से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कड़ी मेहनत, योजना बनाने और तैयार रहने के महत्व को याद रखें। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में चींटी की तरह मेहनत करें और टिड्डे की तरह